दोस्तों आज फिल्मों से ज़्यादा लोग टीवी सीरियल्स को देखना पसंद करते हैं और इन सीरियल की वजह से इनमें काम करने वाले अभिनेता और अभिनेत्री फेमस हो जाते हैं। लेकिन दर्शकों को झटका तब लगता है जब उनका कोई फेवरेट टीवी स्टार इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी के इन स्टार से रूबरू करवाएंगे जिनकी मौत चलते शो के दौरान हुई। तो आइए दोस्तों जानते हैं कौन से है वो टीवी स्टार। नंबर एक, कवि कुमार आज़ाद। टीवी के सबसे लोकप्रिय शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हाथी का किरदार निभाने वाले अभिनेता कवि कुमार आज़ाद की मौत इस शो के बीच में ही हो गई। कवि कुमार आज़ाद का निधन 9 जुलाई 2018 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ। इनके निधन की खबर से पूरे देश में दुख का माहौल था और कई लोगों को उनकी मौत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। नंबर दो, रीमा लागू। कई बॉलीवुड फिल्मों और टीवी शोज का हिस्सा रह चुकी अभिनेत्री रीमा लागू अपने अंतिम दिनों में स्टार प्लस के लोकप्रिय टीवी शो नामकरण में काम कर रही थी। लेकिन इसी बीच एक दिन उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई जिसके चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उनका निधन हो गया। नंबर तीन, अरिजीत लवानिया और गगन कंग। महाकाली शो देवराज इंद्र की भूमिका निभा रहे कग और नंदी का रोल निभा रहे अरिजीत लवानिया का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। और ये एक्सीडेंट तब हुआ जब ये दोनों कलाकार उमरगांव से शो की शूटिंग करके मुंबई लौट रहे थे। नंबर चार, नफीसा जोसेफ। दोस्तों नफीसा जोसेफ फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स और म्यूजिक चैनल MTV की जॉकी रह चुकी हैं। इनकी मौत की वजह खुदकुशी बताई जाती है और ये घटना 2004 की है। मौत के समय नफीसा जोसेफ की उम्र सिर्फ 26 साल की थी। नंबर पांच, प्रत्यूषा बनर्जी। लोकप्रिय शो बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी ने साल 2016 में खुद को फांसी लगाकर दुनिया का अलविदा कह दिया। उनकी अचानक मौत से फैंस और इंडस्ट्री में काफी झटका लगा। उनके फैंस उनकी मौत की खबर सुनकर रोने लगे थे। जब उनकी मौत हुई उस समय उनकी उम्र महज 24 साल की थी। तो दोस्तों इन स्टार में से आपका फेवरेट स्टार कौन सा था, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।